आपका स्टूडियो स्वागत है। और आजादी के इस महोत्सव में हम लोगों को सजेस्ट की गई है एक वीडियो, टाइटल क्या बताएंगे मौजम? टाइटल है आजादी म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म सिद्धार्थ केशव, मोहित चौहान, शकील आसमी और अंशुल। मोहित चौहान तो आई थिंक सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर है। और तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन पहले इस वीडियो को चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, उसके लिंक में लोगी चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नेगेटिव बात नहीं यार, तुम खुद ही देख लो ना, आज भी डेवलपिंग नेशन ही कहा जाता है ना, डेवलप नहीं। दुनिया का कोई भी देश हो, डेवलपमेंट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। और हम आज वो कंट्री नहीं है जो 1947 में ब्रिटिशर्स छोड़ के गए। श्योर, लेकिन वो कंट्री भी नहीं जो 75 इयर्स में बन जाना चाहिए। एग्जैक्टली, लुक एट द करप्शन, रोज नया स्कैम। हाँ करप्शन है जैसे कि बाकी कंट्रीज में, बट पकड़ा भी जा रहा है। वी गेट टू नो अबाउट इट जब वो एक्सपोज होता है। एक्सपोज होने का मतलब है वी आर ऑन द राइट ट्रैक। पॉइंट इज कुछ भी बदल नहीं रहा है और ना बदलेगा। मैं तो हायर स्टडीज के लिए लंदन जा रहा हूँ एंड नेवर कमिंग बैक। ये जो तुम्हारा नेशनलिज्म है ना, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे लाइक्स एंड रिट्वीट दिला सकता है, रियल वर्ल्ड में यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हारे लिए भी नहीं। अगर हम पास से कुछ सीखे तो पता चलेगा फ्यूचर इज ब्राइट। वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। मैं इस ग्रेट राइज का हिस्सा बनना चाहती हूँ। ओ प्लीज, किस बात का राइज है? उल्टा रिग्रेसिव होते जा रहे हैं। लुक एट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। व्हाट, किसी बात की आज़ादी नहीं है यहाँ? ये मत पहनो, वो मत खाओ, अपनी बात भी बिना डरे नहीं कह सकते। सिर्फ नाम का आज़ाद देश है हमारा। आज़ादी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है जो सबके लिए सेम है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कोई भी अपने मन से कुछ भी करेगा। इंडियन आर्मी में सब यूनिफॉर्म पहनते हैं। कल को कोई आके बोल दे कि मुझे मेरे मन के कपड़े नहीं पहनने दिए जा रहे, यहाँ आज़ादी नहीं है। आज़ादी फॉर ग्रांटेड ले रखा है हमने आज़ादी को, क्योंकि इस आज़ाद देश में। लेकिन ये आज़ादी किस कीमत पे मिली हमें? जो सैक्रिफाइसेस लोगों ने किए ताकि हम आज़ादी की सांस ले सकें, सब भूल गए हम। हमने भी वही हिस्ट्री पढ़ी जो तुमने, तो प्लीज अब उसके बारे में लेक्चर मत दो। जब जवाब नहीं होता तो चलो। सच हो गया। एनर्जी मंगल पांडे
बहुत इमोशनल सी वीडियो है ना। वतन की थी गली गली निशान थे कितने खून के, क्या बताएं कहां कहां शहीदों के कटे फटे शव पड़े थे यहां। जी ने कहा सारा विदेशी सामान जला दो, पर हमारे पास कोई और कपड़े भी नहीं है। चलो आजादी आजादी बड़ी महंगी है ये आजादी आजादी आजादी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? आजाद, चंद्रशेखर आजाद। आजादी आजादी बड़ी महंगी है ये आजादी आजादी। समझा सकती गाइस, बड़ी महंगी है।
चाहते हुए इग्नोर कर दिया। हाँ भाई इस बार इंडिया जो है उसे अंग्रेज राज से जो है वो छुटकारा पाए हुए लगभग 76 साल जो है वो पूरे हो जाएंगे, एक दो दिन बीच में रह गए हैं। लेकिन इन 76 साल से पहले की बात करें तो कोई शक नहीं, उसमें बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हमने जो है वो देखे हैं जिनकी जब आप स्टोरीज पढ़ते हैं तो आपको जो है ना प्राउड फील होता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड मैं कहता हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे अननोन हीरोज़ होंगे जिनका हमें नहीं मालूम होगा, जिन्हें हम जो है आम भाषा में कहते हैं अनसंग हीरोज़ जो हम जिन्हें कहा जाता है। बाकी अभी जो वीडियो देखा है ना तो लिटरली सम टाइम्स आपको नहीं एहसास होता कि आज के टाइम में और उस टाइम में क्या आपको फ़र्क जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि हम जो है ना बहुत मुंह सवार के बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं लेकिन लिटरली जब आप उन लोगों के ऊपर गुजरने वाले जुल्मों के बारे में सोचते हैं ना तो आपकी रूह कांप जाती है। वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे पता नहीं क्यों जलियांवाला बाग जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल करता है। वैसे तो जितना भी था देखकर ऑब्वियसली जब पास्ट में आप जाते हो तो दुख तो होता है, क्योंकि जो मैसेज दिया गया है नए युवा के लिए जो नई पी मतलब जनरेशन के लिए, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आप किस तरीके से अपनी हिस्ट्री जो है वो याद रखते हो, अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद रखते हो हर मरतबा। और मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिपीट करना, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए। एंड ऑनेस्टली ये देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं पर अफसोस इस चीज़ का हो रहा था कि आई विश के पाकिस्तान में भी इसी तरीके से बच्चों को ऐसे ही स्टोरीज़ के थ्रू सिखाया जाता और बताया जाता इन सब लोगों के बारे में भी, क्योंकि ये हमारे भी इक्वली फ्रीडम फाइटर और हमारे हीरोज़ हैं जिनके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है और नई जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा। बिल्कुल। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है और शायद उसी की वजह है कि आज हमारी कौम की हालत ये है कि हम लोगों ने अपने हीरोज़ को याद नहीं रखा, हमने उनके सेक्रीफाइसेस को याद नहीं रखा और हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हम लोग यू नो किसी चीज़ की कदर नहीं करते, स्पेशली सबसे पहली बात आज़ादी की कदर नहीं करते। जैसे ही ये वीडियो स्टार्ट होती है और जैसे दिखाया भी यही गया है कि चार नौजवान लोग मतलब न्यू जनरेशन को दिखाया गया है कि उनकी डिस्कशन उनमें से जो एक थी सिर्फ वो पेट्रियाटिज्म उनके अंदर पाया जाता था, बाकी तीन थे वो बाकी नॉर्मली जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं कि भाई एक अच्छे फ्यूचर के लिए हम लोग जाएँ, हम लोग सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते लेकिन हम लोग सुविधाएँ सारी लेना चाहते हैं। सो उस तरह का एक कॉन्सेप्ट लेकर तो जिस तरीके से उनको परिचय करवाया गया कि पास्ट में जिस तरीके से हमें आज़ादी मिली और आज़ादी का क्या महत्व है ये हमें नहीं पता, और जैसे रियलाइज़ उनको करवाया गया जो मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो उनके मुंह से अल्फाज निकले जिस तरीके से वो एक एनर्जी उनके अंदर जाती है और फिर वो लोग फ्लैशबैक में जाते हैं जिसमें वो मंगल पांडे जी को देखते हैं, झांसी की रानी जो है उन्हें देखते हैं, रानी को देखते हैं, जलियांवाला बाग देखते हैं, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी को देखते हैं, फिर गांधी जी को देखते हैं, भगत सिंह को जी लास्ट में, और एक और भी थे जो जेल वाला था ना उसमें मुझे मैं वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाई कि मैं भी नहीं कर पाया लेकिन वो जेल जो थी वो मुझे याद आ गई थी और आई थिंक वो उस साइड पर है ना जेल पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे वाली साइड पर। सो मतलब इतना ज़्यादा दुख हो रहा था कि उस जेल में जिस तरीके से लोग उनको रखा गया होगा जो जो उनके साथ किया जाता था उस टाइम पर, सीरियसली मेरा तो दिल जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा ना
ऐसे मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ ये चीज़ देखकर, वो सोच कर कि उस टाइम के लोगों पर, फैमिलीज पर क्या गुजरी होगी, और किसी को बिल्कुल भी उनसे हमदर्दी नहीं थी उस टाइम पर, अगर ब्रिटिशर्स की बात करें। अगर उस टाइम पर अगर हमदर्दी करने वाले की भी बात की जाए ना, अगर कोई होता भी था तो उसको भी वही सजा जो है, वही दंड जो दिया जाता था जो उस इंसान को जो है मिल रहा होता था। अभी लिटरली इंडिया के अगर आप हालात की अगर बात करें तो भाई कोई शक नहीं, इंडिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो कर लिया है। इवन के लोग जो हैं यहाँ पर भी खास तौर पर मैं कहूँ कि वो कहते हैं कि भाई इंडिया जो है उसने कुछ करके दिखाया इन 75-76 सालों में। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की बात करें, वहाँ पर स्टार्टअप्स की बात करें, वहाँ पर कारोबार की बात करें, तो पाकिस्तान से जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। ऑन द अदर साइड हम पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ पर अभी भी आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ों में मिसमैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप अभी भी जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा लैग करता है, उसे सही करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर इकोनॉमी को सही ट्रैक पर जो है वो लाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर भी जो लोग हैं ना वो एक आज़ादी की सही असेंस जो है उसको जो है महसूस कर सकें, बजाय इसके कि हमारे यहाँ पर भी नौजवान जो है वो ये चीज़ सोचें कि भाई हमने मुल्क छोड़ कर दूसरे मुल्क में जाकर सेटल होना है, हम अरब में जाकर कहीं पर लेबर कर लेंगे, हम फलाने कंट्री में लेबर कर लेंगे, उसके बजाय जो है हम यहाँ पर कुछ करें। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि आपको जो है ना एक ओपन एटमोसफेयर में जो है आपको जो एहसास दिलाना होता है उसमें आपकी गवर्नमेंट जो होती है रूलिंग गवर्नमेंट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और मुझे वैसे लगता है सबसे बेसिकली ना जो बेस है वो बनानी चाहिए लोगों की, और एक डिफरेंस जो है वो लोगों के बीच में लेकर आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट हमें हमारे कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। बेशक मैं आज भी सोशल मीडिया में देखती हूँ और पाकिस्तानी लोगों की मैं बातें सुनती हूँ, अगर कोई जैसे एक्टर है, अभी मैं सुबह में सोशल मीडिया पे देख रही थी कि मतलब एक पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस हैं और साथ में आई थिंक सिंगर थे, तो उन लोगों ने ना जो आजकल ट्रेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा रील चल रही थी झुमका, ठीक है ना, और उसमें उन्होंने एक्ट किया, रील बनाई वैसे, और नीचे लोगों ने मतलब कमेंट किए आप इंडिया जैसे होते जा रहे हैं, उनके कल्चर को फॉलो करें, खुदा रा जाने भाई हमारा कल्चर क्या है, आप लोग खुद क्यों इंजॉय करते हो वो वाले सॉन्ग। सो मुझे दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा था इस चीज़ को जानकर। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हमें हमारी हकीकत से सामना करवाया जाए। पाकिस्तानी लोगों को पता ही नहीं है उनका कल्चर क्या है, और पता है कि पेट्रियाटिज्म में और एक्सट्रीमिज्म में डिफरेंस होता है, ठीक है, और ये जो एक मतलब डिफरेंस है ये लोगों को समझ आना चाहिए। बहुत ब्रीफ सी लाइन है ये। एक्सट्रीमिज्म जो है ना वो पेट्रियाटिज्म नहीं है, हर चीज को जो जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं। और जैसे मतलब वीडियो स्टार्ट हुई और स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने बोला ना यहाँ पर आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, मतलब जैसे खाने की आज़ादी नहीं है, कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों ये चीज़ रियलाइज हुई कि ये बातें सारी हम लोग यहाँ पर बैठकर भी कर रहे होते हैं, और जो कंट्रीज हमारे से बेहतर हैं वो लोग भी वही बातें कर रहे होते हैं। तो फिर मतलब हम लोग को कौन सी आज़ादी रियल लाइफ में चाहिए, मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो अगर मैं पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करूँ तो हम लोगों को तो इतनी भी आज़ादी नहीं है जितनी कि हम लोग इंडिया में देखते हैं कि लोगों को है। सो मुझे लगता है कि शायद हर इंसान अपने से ऊपर वाले इंसान को देखता है, हम लोग ये नहीं देखते कि हमारे से जो नीचे वाले हैं वो वहाँ कहाँ पर हैं। अगर मुझे लगता है कि हम ये देखना शुरू हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों की हमें कदर होना शुरू हो जाएगी। यार उसके साथ साथ जो है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, खासतौर पर स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें प्रोविंशियल लेवल पर जो है ना जो कल्चर से, जो लोकल कल्चर से, जो फेस्टिवल से, उन्हें रिवाइव करने की जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि और उसके बारे में लोगों को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि लोगों के अंदर जो एक चीज़ है ना वो ख़त्म हो और लोग जो है ना एक जो अपनी अपनी यूनिटी, डाइवर्सिटी, अपनी ज़मीन से जो है ना वो अटैचमेंट फील कर सकें। मैं वही तो बात कर रही हूँ कि उनको कैसे पता चलेगा कि ये कल्चर, ये डाइवर्सिटी कहाँ से बिलोंग करती है। हमेशा एक आपकी जो हिस्ट्री होती है ना वो आपको याद दिलानी पड़ती है कि आपके जैसे अगर हम लोग हैं, हमारे बाबूजा कहाँ से हैं, कश्मीर से हैं, ठीक है, कश्मीर में, फिर वहाँ से वो माइग्रेट करके इस तरह से आए, तो आपको पता होता है। आज भी जब हमसे कोई पूछा तो हम लोग यही कह देंगे हम लोग कश्मीरी बात हैं। तो एक बाबूजाद के बारे में जब आपको पता होता है ना तो आपको एक प्राउड फील होता है कि भाई हमें अपने शजरा नसब के बारे में पता है। लेकिन एक कल्चर जो आप फॉलो कर रहे हो उसकी बेस ही नहीं आपको पता, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। सो मुझे
लगता है कि पाकिस्तान वाली साइड पर तो इन चीज़ों की बेहद जरूरत है, से ज़रूरत है इनको बेहतर करने की। और अगर मैं इस वीडियो की एक बात बताऊँ तो मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि देखो ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेट की गई हिस्ट्री को लेकर, कि जिस तरीके से फ्रीडम फाइटर्स ने मुल्क की आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए किस किस समय पर उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया। सो बात करने पर आए तो मुझे लगता है बहुत सारी बातें बन जाती हैं, बट ये है कि हमारे, हमें ये भी काउंट करना चाहिए कि हमारा जो कंट्री है वो किस साइड पर जा रहा है। अगर वो बेहतर साइड पर जा रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर जगह पर होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में भी होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी हम लोगों को जो है वो समझनी चाहिए। और इसी के साथ हमें जो हमारे